नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इसको देखते ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा कई टीमें बनाकर जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर आज डॉग स्क्वाड टीम ने न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध सामान सहित कूड़े के ढेरों तक को चेक किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवरात्र को देखते हुए जनपद में विभिन्न जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अभियान चलाया जा रहा है। नवरात्रि के पर्व के चलते बांदा जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी लिहाज से आज डॉग स्क्वाड टीम ने कचहरी व न्यायालय परिसर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध सामान को चेक किया गया, कूड़े के ढेर व वाहनों में चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक LBK पॉल ने बताया कि पूरे नवरात्रि में अलग अलग स्थानों में यह अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि शहर में चेकिंग अभियान के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पहली टीम बैंक व ATM के पास चेकिंग में लगाई गई हैं। दूसरी टीम शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे व प्रमुख चौराहे में लगाई गई हैं। तीसरी टीम मंदिरों व स्कूलों कॉलेजों के पास व चौथी टीम देवी पंडालों के पास लगाई गई हैं, जो कि समय समय पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज डॉग स्क्वाड टीम ने न्यायालय परिसर के अंदर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आने जाने वालों की व उनके सामानों की चेकिंग की गई है। यहाँ तक कि कूड़े के ढेर व वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमने 3-4 तरह से चेकिंग का अभियान शुरू किया है। पहला तो हमारे जो बैंक है और ATM है, उसके आसपास की जो जगहें हैं उसमें जो चेकिंग होगी, और दूसरी हमारे जो परिसर हैं, जो सार्वजनिक जगहें हैं, जैसे आपका न्यायालय परिसर हुआ, जो हमारा स्टेशन हुआ, और जो प्रमुख बाजार के स्थल हैं, चौराहे हैं, उन पर चेकिंग का। तीसरा जो हमारे स्कूल के गेट्स हैं और हमारे जहां पर औरतों का आवागमन होता है, मंदिरों के आसपास, उनको चेकिंग का मैंने उसके लिए कहा है। और चौथे जो हमारे पूजा पंडाल बन रहे हैं, उन पर हमने चेकिंग का आदेश किया है।